हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा ब्लॉग रहेगा वो सीला समुद्र ग्लेशियर पर रहेगा। हाल ही में उत्तराखंड में जो लगातार जो ग्लेशियर फट रहे हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में तपोवन में जो ग्लेशियर फटा था उसमें काफ़ी सारे लोग हताहत हुए थे। अराउंड 17 लोग मारे गए थे और 36 लोग लापता हो चुके थे। तो उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर और सभी जगह रेड जोन पे था सीला समुद्र ग्लेशियर था, उसमें कहा गया था कि क्या सच में सीला समुद्र ग्लेशियर भी कभी कहर बरपा सकता है, और क्या सच में जो नंदाकिनी नदी के किनारे जो शहर बसे हैं या फिर जो गांव बसे हैं उनके लिए सीला समुद्र ग्लेशियर खतरा बना हुआ है। तो हम आज उसी की छानबीन करने चले हैं। और इस समय कुछ दिन पहले वन विभाग और रिसर्च टीम भी यहाँ पे पहुँची थी। उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च यहाँ पे किया कि क्या सच में यह ग्लेशियर कहर बरपा सकता है। तो यहाँ पे नदी है और मुझे नदी तैरना होगा, कोई पुल नहीं है। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ कहाँ से मुझे तैरना होगा। और अभी फिसलन भी काफ़ी होती है, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये देखना होगा कहीं फिसलन ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ ग्लेशियर के तलहटी पर और आप देख सकते हैं यहाँ से नदी निकल रही है। ये काफ़ी रिस्की काम है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। मेरे जो दोस्त हैं वो भी काफ़ी पीछे रुके हुए हैं, पीछे क्या वो लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं। और मैंने सुबह का मौसम इसलिए चुना है क्योंकि दिन में ये ग्लेशियर पिघलते रहता है और ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। अभी जो होता है ये ग्लेशियर एकदम जमा होता है, तो थोड़ा पत्थर आने के चांसेस कम रहते हैं। चांसेस तो अभी भी हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार नदी यहाँ से निकल रही है। एकदम माउंटेन सा लग रहा है लेकिन सच में ये ग्लेशियर है, देख सकते हैं आप। नंदाकिनी नदी है। एकदम डर लग रहा है यहाँ। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये पत्थर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्लेशियर का काफ़ी बड़ा टुकड़ा है जो टूट के आया हुआ है। ये देखिए एकदम नीलापन, मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार एकदम आइस बना हुआ है। और ये तो काफ़ी बड़ा है जो ऊपर से टूट के आया हुआ है। और अभी भी मैं ग्लेशियर के ऊपर चढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या सच में ग्लेशियर के बीच में कहीं तालाब है जो खतरे की कहीं निशानी है। चलो चढ़ के देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, कभी भी ग्लेशियर टूट सकता है ऊपर से। और पत्थर, ओह माय गॉड, ये एकदम, ये देखिए, फिर भी मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ। दोस्त लोग काफ़ी पीछे आए नहीं है, थोड़ा सा अकेला ये रिस्क बना होता है कि कहीं
कुछ हो गया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये देखिए ग्लेशियर के टुकड़े, ओह माय गॉड, फिसलने लगे हैं। और ये बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे को यहाँ पर कैमरा बंद करना होगा क्योंकि आगे चलकर अगर पत्थर आ गए तो भागने में थोड़ा सा मेरे को सही रहेगा। तो मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ और अभी यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं और नज़ारे सामने नंदा कुंगुट जो पर्वत है। और रिसर्च टीम अभी आई थी यहाँ पे, वो भी इतने करीब से इस ग्लेशियर को भांप नहीं सके क्योंकि ये काफ़ी रिस्क है। मैं तो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने भी केवल दूर से इसको देखा कि कहीं पे तालाब है जो खतरा बन सकता है आगे जाके, या फिर ग्लेशियर टूटने का कोई खतरा है, क्योंकि जब तपोवन में ये ग्लेशियर फटा था तो उस समय शिला समुद्र ग्लेशियर, ये वाला ग्लेशियर रेड जोन में था, मोस्ट रेड जोन में। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आपके यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये ग्लेशियर लगभग 1 किलोमीटर लंबाई इस ग्लेशियर की है और 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। और इन पत्थरों में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर मैं ग्लेशियर के ऊपर चढ़ूं तो कहीं पे बीच में ग्लेशियर क्रैक हुए होते हैं और काफ़ी बड़ी जो कारावास होते हैं और पत्थर हल्के से ऊपर से होते हैं, तो अगर हम उसमें चढ़ें तो ये खतरा हो सकता है कि वो नीचे धंस सकता है। सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं। मैं अभी ग्लेशियर के ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ पर पत्थर मिट्टी है, ग्लेशियर दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं पे दिख रहा है ये। तो मैं पहुँच चुका हूँ ग्लेशियर के टॉप पे और ये पूरा जो एरिया है इसके नीचे ग्लेशियर दबा हुआ है। ग्लेशियर टूटे होंगे तो उसके साथ जो पत्थर मिट्टी आई होगी, समय के साथ ही ग्लेशियर पिघलते गया और पत्थर ऊपर आते गए, लेकिन इसके नीचे पूरा ग्लेशियर है, ये काफ़ी पीछे तक फैला हुआ है। तो इतना चलना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि खतरा भी काफ़ी है इस पत्थरों के ऊपर, कहीं पे भी कारावास हो सकता है, आदमी अंदर घुस सकता है। और वैसे भी मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है अभी, तो मैं कहीं साइड पे जाके ऊंचे स्थान पे जाके इस ग्लेशियर का पूरा वीडियो जो कैप्चर करता हूँ। नंदा ये है शिला समुद्र ग्लेशियर और पूरे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो ग्लेशियर है काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ पे कोई तालाब भी नहीं है इसके ऊपर। अक्सर जब ग्लेशियर फटते हैं या जो आपदाएं आए आज तक, जैसे केदारनाथ में या तपोवन में, वहाँ पे ऐसी कुछ हुआ है कि ऊपर ग्लेशियर के बीच में बहुत बड़ा तालाब बना हो और ऊपर चोटी से ग्लेशियर खिसका हो और तालाब में जाकर गिरा हो और पानी पूरा बाहर निकल के पूरा बहा के ले जाता हो, उससे जो आपदाएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है और इससे कोई ख़तरा भी नहीं है। अगर ये ग्लेशियर टूटता भी है तो एकदम वहीं पर बिखर जाता है क्योंकि उतना ज़्यादा कोई डर नहीं है। शिला समुद्र देखो कितने पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थर शिला मीन्स पत्थर होता है और तो इसका नाम शिला समुद्र, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पत्थर यहाँ पे हैं।
सामने है नंदा कुंगूट, नंदा की नदी यहीं से निकलती है। आधा से ज़्यादा जो जल है वो इसी ग्लेशियर से निकलता है, लेकिन उसका उद्गम स्थान जो बताया गया है वो नंदा घुंघुट बताया गया है। और देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, केवल नदियों की आवाज़ है और पक्षियों की चहचहाट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर रूपकुंड है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो?